इस मंथ हमारे सी एस सी वी एल ई का 3 महत्वपूर्ण पेमेंट सी एस सी के ओर से आया है दोस्तों, वो कौन कौन से पेमेंट है इसे भी हम जानेंगे। इसके साथ दोस्तों ये भी जानेंगे, इससे अधिक भी पेमेंट हमारे सी एस सी वी एल ई के पास आ सकता है, या फिर कहें तो किन्हीं के पास कोई भी पेमेंट नहीं भी आया होगा। पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस मंथ में हमारे पास 3 महत्वपूर्ण पेमेंट आए हैं। जो कुछ पेमेंट ऐसे थे जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, और जो हर मंथ जो आता है वो तो है ही। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे इन सभी पेमेंट के बारे में, कौन कौन से पेमेंट और किस माध्यम से डीजीपे में आया है या फिर आपके बैंक पासबुक में आया है, ये सारी जानकारियों को दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब हमारे आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और नई नई जानकारियों को वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक भी दोस्तों आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम जानेंगे दोस्तों वो कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण पेमेंट अभी तक इस मंथ हमारे पास आ चुका है। जितने भी महत्वपूर्ण पेमेंट हमारे पास आया है दोस्तों, सबसे पहले हम डीजीपे को लॉगिन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें पासबुक के ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन से पेमेंट इस मंथ हमारे पास आया है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे कर्सर के पास 31/3/2024 को पीएम विश्वकर्मा का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका पेमेंट आया है दोस्तों। ये जो पेमेंट आया है वो जनवरी मंथ का है 2024 का। इसके साथ ही दोस्तों 8/4/2024 को एक और पेमेंट आया है हमारे पास, वीएलई स्कूल कास्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जापीट। जैसा कि दोस्तों अगले साल सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था स्टूडेंट का, जो भी 1 से 8 तक के स्टूडेंट थे, तो स्कूल में जाके आपको उनसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लेना था और एंट्री करना था। जितने लोगों का भी बन गया होगा उस हिसाब से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका भी पेमेंट आ चुका है। इससे पहले भी पेमेंट आया था, ये नेक्स्ट पेमेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण पेमेंट हमारे पास आया है वो है दोस्तों हमारा डिजिटल पंचायत का जो पेमेंट आता है, हर मंथ सैलरी आता है, उसका पेमेंट भी 12 अप्रैल को आ चुका है। अब ये पेमेंट दोस्तों हमारे डीजीपे में नहीं आएगा, ये पेमेंट अब आपके पासबुक में आएगा। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको डिजिटल सेवा के साथ जो भी बैंक पासबुक कनेक्ट हो उस बैंक पासबुक के डिटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा जो बैंक पासबुक डिजिटल सेवा के साथ कनेक्ट है वो HDFC बैंक का है। जैसे ही हम इसमें अकाउंट सबमरी में जाएंगे तो यहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कर्सर के पास आप देख पा रहे होंगे 12 अप्रैल 2024 NFT क्रेडिट UTI, बाकी जो नंबर देख पा रहे होंगे इसके साथ ही CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, और हमारा नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सिस बैंक के माध्यम से डायरेक्ट NFT किया गया है हमारे अकाउंट पे। और इस पेमेंट को भी आप देख पा रहे होंगे 2475 रुपया, जो हर मंथ हमें आता है दोस्तों, ये मार्च मंथ का पेमेंट है। तो ये पेमेंट भी आपके पासबुक में जा चुका होगा। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, और अभी तक आपने चेक नहीं किया तो आप डिजिटल सेवा के साथ जो भी बैंक पासबुक आपका कनेक्ट हो उसमें आप इस प्रकार से समरी स्टेटस देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका मंथली पेमेंट अभी तक आया है या फिर नहीं आया है। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।